नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम जो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि कुछ छात्रों ने पिकनिक मनाने की योजना बनाई, इसमें भोजन पर ₹5,000 खर्च होने थे, परंतु पांच छात्रों के ना जाने से प्रत्येक सदस्य पर ₹50 अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए? ठीक है, अब प्रश्न ने इसमें दो कंडीशन हमसे कह दी हैं। क्या दो कंडीशन है? पहले उसने कहा है कि कुछ छात्रों ने पिकनिक मनाने की योजना बनाई। हम ये मान लेते हैं कि एक्स छात्र थे जिन्होंने योजना बनाई, ठीक है। फिर कहा उसने इसमें भोजन पर ₹5,000 खर्च होने थे। टोटल कितना खर्चा होना था? ₹5,000। तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स छात्रों ने वाई रुपया जोड़े थे, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एक्स छात्र थे, वाई उनका कंट्रीब्यूशन हुआ, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होना था? ₹5,000, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बन गई, लेकिन अब यह तो थी योजना, यहाँ ये योजना बनाई, लेकिन क्या हुआ? परंतु पांच छात्रों के ना जाने से, यानी टोटल एक्स छात्र थे जब वो योजना बनी, जब पिकनिक पर जब छात्र गए तो पांच छात्र वहां पर नहीं जा पाए, यानी एक्स माइनस पांच छात्र पिकनिक पर सिर्फ जा पाए। फिर कहा उसने ना जाने से प्रत्येक सदस्य पर ₹50 अतिरिक्त खर्च बढ़ गया, यानी पहले कंट्रीब्यूशन कितना था? y, अब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? y प्लस 50, ठीक है, क्योंकि सभी सदस्यों से ₹50 रुपए ज्यादा लगे। तो कंडीशन तो वही है, छात्र हैं x माइनस 5 और कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है? y प्लस 50 बराबर पैसे तो उतने ही खर्च होने हुए, यानी 5,000 जो खर्च हुआ वह उतने ही हुआ। अब इसको और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, x का y में होगा तो एक्स वाई, एक्स का 50 में होगा तो 50x, 5 का y में होगा तो माइनस का 5y, और यहाँ से करेंगे 5 का 25 में तो 25 250 बराबर हो जाएगा 5,000। अब इस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी? 5,000 प्लस का 50x माइनस का 5y माइनस का 250 बराबर 5,000। ये 5,000 से 5,000 तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 50x माइनस का 5y माइनस का 250 बराबर 0। अब यहाँ से हम एक वैल्यू और निकाल लेंगे, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 5,000 बटे x। इसको सॉल्व कर देंगे, 50x माइनस 5 गुणा 50,000 बटे x माइनस 250 बराबर 0। अब x का पूरे में गुणा कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 50x स्क्वायर माइनस का 25,000 माइनस का 250 एक्स बराबर 0। 50 का भाग सब में लगा सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ से बचेगा 500, वो यहाँ 50 का लगाएंगे तो 25 5x बराबर 0। सही से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 500 बराबर 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 500 बराबर 0। तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 20x माइनस का 500 बराबर 0। ये दो पार्ट हो जाएंगे, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 25, और यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 25। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 25 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 25 और यहाँ से निकलेगी माइनस का 20, जो कि निगलेक्ट हो जाएगी। तो x बराबर क्या निकल के आया?
25, यानी जब योजना बनी थी तो कितने छात्र थे? 25। लेकिन पिकनिक पर क्या पूछा उसने, कितने छात्र पिकनिक पर गए? तो पिकनिक पर गए थे x माइनस 5 छात्र, तो वह हम निकाल देंगे x माइनस 5, तो 25 माइनस 5 बराबर 20 छात्र। ठीक है, तो 20 छात्र ऐसे थे जो कि पिकनिक पर गए। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।